यूपी के रायबरेली, अमेठी, अयोध्या और लखनऊ में आज थम जाएगा प्रचार। पूरे दिन आज अमेठी में प्रियंका गांधी संभालेंगी भाई राहुल के प्रचार की कमान। अमेठी में सुबह 9:45 बजे से शाम 4:45 बजे तक होगा प्रियंका का रोड शो। राहुल गांधी भी आज अमेठी में अंतिम दिन बहन प्रियंका के साथ करेंगे प्रचार। अमेठी में आज बीजेपी भी लगाएगी पूरी दमखम। स्मृति ईरानी के लिए आज दोपहर 1 बजे रोड शो करेंगे अमित शाह, बाद में जाएंगे रीवा। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अभिनेता से नेता बने सनी देओल करेंगे रैली। 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच रायबरेली में बाइक रैली भी करेंगे। दिल्ली में आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मीडिया से होंगे मुखातिब। शाम 6 बजे गुड़गांव में करेंगे रैली। यूपी में आज पीएम मोदी की 2 रैलियां। पहली रैली प्रतापगढ़ में सुबह 11:30 बजे, बाद में बस्ती जाएंगे पीएम मोदी। 3:30 बजे बिहार के वाल्मीकि नगर में भी पीएम मोदी की रैली। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे के प्रचार पर रोक। 6 मई को होगा 5वें चरण का मतदान। 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 6 मई को यूपी की 14, राजस्थान की 13 लोकसभा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार 5, झारखंड की 4 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। बाराबंकी में रैली के लिए सीएम योगी के हमशक्ल योद्धा के साथ पहुंचे अखिलेश यादव की ठिठोली। कहा इन्हें पहचानी, ये गोरखपुर जा रहे थे लेकिन हम आपके लिए इन्हें बाराबंकी ले आए। अखिलेश यादव ने की मांग, सांड या किसी आवारा पशु से हुए हादसे के लिए सीएम योगी के खिलाफ दर्ज हो केस। बाराबंकी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी में तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने पर उठाया मुद्दा। कहा एक सिपाही चुनाव लड़ने चला गया तो पूरी सरकार हिल गई। बांदा में रैली में सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर बच्चों को गाली सिखाने का लगाया आरोप, वायरल वीडियो का दिया हवाला। सीएम योगी को आखिरकार आई आवारा पशुओं की समस्या की याद, बोले जहां गौशाला नहीं बनी वहां 23 मई के बाद मैं तय करूंगा जवाबदेही। कैसरगंज के बीजेपी उम्मीदवार ब्रजभूषण शरण सिंह मायावती पर पलटवार में भूले भाषा की मर्यादा। देखिए वो मुझे उन्होंने कहा तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और मैंने आज तक कोई वसूली नहीं किया, लेकिन उसने सुनियोजित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को लूट लिया। मायावती ने कैसरगंज के बीजेपी उम्मीदवार ब्रजभूषण शरण सिंह पर गठबंधन उम्मीदवार को धमकाने और दफ्तर पर हमला करने का लगाया आरोप। रघुराज प्रताप सिंह से सबक सीखने की नसीहत दी। अच्छी प्रकार से जानते हैं इनको, प्रतापगढ़ जिले के राजा भैया से सबक सीख लेना चाहिए। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भी गोंडा में की रैली, बोली योगी सन्यासी भगवान की पूजा करते हैं मोदी की नहीं। रायबरेली में कल प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। महाराजगंज में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी एक छोटी बच्ची से किया दुलार, परिजनों ने साथ में ली सेल्फी। मायावती ने भी कांग्रेस पर किया वार, बोली आजादी के बाद ज्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकी, किसान भी रहे दुखी। बांदा में सीएम योगी से नहीं मिलने देने पर एक युवती ने किया हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रचार के दौरान अभिनेत्री महिमा चौधरी हुई घायल, चलते चलते टूटा वैन में बना मंच। बीजेपी नेता सनी देओल भी आज राजस्थान के चुरू और जयपुर में करेंगे रोड शो। भोपाल में उमा भारती ने बयां की साध्वी प्रज्ञा की पीड़ा, कहा आतंकी का सांप को मिला मिनरल वाटर, साध्वी को क्या मिला कह नहीं सकती। उमा भारती गांधी परिवार पर किया वार, बोली इस परिवार में नेहरू असली लेकिन गांधी फर्जी जुड़ा है। उमा भारती ने कहा भारत में खान सरनेम जुड़ा हो तो हम खान चाचा खान भैया कहते हैं, जबकि अमेरिका में इस सरनेम पर होती है पूछताछ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कांग्रेस पर वार, बोले गांधी परिवार से गरीबों को गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस के चमचों की गरीबी हट गई। गडकरी ने राहुल गांधी परिवार पर कसा तंज, बोले खाओ खींचो बाप का माल है, जितना लूटना है लूटो, एक पाव डटाओ गरीबी हटाओ। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बंजारों के साथ पकाया खाना, वीडियो हुआ वायरल। जालंधर में शिवसेना सनी देओल पर भगवान शिव की फोटो की बेअदबी का लगाया आरोप, फोटो दिखाकर पुलिस से की शिकायत। शुरू में अमित शाह पटेल और चंकी पांडे ने किया रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवार रफीक मंडेलिया के लिए प्रचार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश की रैली के दौरान भिड़े एनडीए समर्थक, जमकर हुई हाथापाई।
सीतामढ़ी में प्रचार के दौरान बोले गिरिराज सिंह, बटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों की फिक्र में सोनिया गांधी को रात भर नहीं आई नींद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।